क्योंकि ये जो रिश्ता है ना पति पत्नी का, ये तर्क और वितर्क का नहीं होता है, ये मान लेने का है, ये महसूस करने का है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का है। ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें वाद विवाद हो, तर्क कुतर्क हो, झगड़े हो यही रहा है वैसे आज के समय में, पर विपरीत इससे पति पत्नी का रिश्ता होता है, जहां मान लेना है, एक ने कही दूजे ने मानी, संत कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी है, और उन्हीं का परिवार आनंद से चल रहा है जो एक दूसरे की बात को मानकर समझ करके चल रहे हैं, जी रहे हैं। आज ये कथा कहना चाहती है, यदि माता सती ने बात मानी होती तो इतना बड़ा जो अनर्थ हुआ वो नहीं होता, वो तो भवानी है। ये कथा हम और आपको समझाने के लिए रची गई है, पात्र बनाए गए हैं, पर मुझे ऐसा भरोसा है कि हमारी माताएं यहाँ पे जो भी बैठी हैं वो तो सब अपने अपने पति की बात मानती हो। कितनी माताएं बात मानती हैं पति की, वो हाथ खड़ा करे, निसंकोच कर दो। अब कुछ माताएं इधर देख रही हैं कि कहीं बैठा तो नहीं चलो बता दो, मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं। एक ने कही दूजे ने मानी। मैं ये नहीं कहती कि सारी बात मानो, सारी बात में मतलब ये कहें कि भाई कुछ अनुचित कार्य करने को कहें तो वो बिल्कुल मत करो, हाँ लेकिन ये अच्छे कार्य के लिए कहते हैं तो मानो। यदि कोई आपको भी उसकी सबकी वही बात मानो जो हित में हो, जो अच्छी हो, तो माताएं तो मानती हैं। मैं भाई बंधुओं से पूछती हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी पत्नी की बात मानते हैं? वो हाथ खड़ा कर। अब यहां समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा मानते तो सभी है, लेकिन हाथ इसलिए खड़ा नहीं करते कि पड़ोसी क्या कहेगा कि पत्नी की मानता है। छुपाना चाहते हैं, मानते तो है। अगर कोई मानता हो, जो कोई बहादुर हो, वो हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ कुछ बहादुर भाई निकले हैं जो अपनी पत्नी की बात मानते हैं। आप भी मानते हैं, इसलिए आपकी गाड़ी बढ़िया चल रही है। अच्छा कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, अच्छा आप ही बताओ, माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी तो चाहिए, और दोनों को माननी चाहिए। गृहस्थ वो गाड़ी के दो पहिए हैं जो समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ एक दूसरे पर बातें थोपी नहीं जानी चाहिए कि मेरा ऑर्डर चलेगा, यहाँ किसी का ऑर्डर नहीं चलना चाहिए। और जब ऑर्डर चलते हैं तो फिर कोर्ट में ऑर्डर ऑर्डर सुनना पड़ता है, यही हो रहा है। तलाक का कारण क्या है? कभी आपने चिंतन किया? पहले कभी सुना था कि कहीं किसी का तलाक हो गया? घर में परेशानियां भी आती थी, मुश्किलें भी आती थी, कई बार विपरीत परिस्थितियां भी आती थी, मुश्किलें भी थी, फिर भी कभी आपने सुना था आज से कुछ समय पहले कि वहां उसका रिश्ता टूट गया? कहीं नहीं सुना था। और आप थोड़ा चिंतन करोगे तो तलाक शब्द उर्दू का शब्द है और डिवोर्स जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। हमारी संस्कृति में तो शब्द के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक बार रिश्ता जुड़ जाता है वो जीवन पर्यंत तक निभाया जाता है, वो कभी तोड़ा नहीं जाता। हमारे यहाँ कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी विधा, किसी भी संत ब्राह्मण किसी से भी पूछ लेना कि कोई ऐसा मंत्र है जो रिश्ते तोड़ने वाला भी हो।
यहाँ सब कुछ ऋषियों ने बनाया तो जोड़ने के लिए, और एक बार जो जुड़ जाता है वो जीवन पर्यंत टूटता नहीं है, वो जुड़ा ही रहता है। और आज ये सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज कार्ड आएगा, शादी है, कुछ दिन बाद चलेगा कि तलाक, डिवोर्स, अलग हो गए, एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी। और बात अगर तय करोगे, खोजोगे कि बात क्या है, तो बात कुछ नहीं होगी, मूल में कोई बात नहीं होती, झगड़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन फिर भी रिश्तों को तोड़ रहे हैं, रिश्तों को जोड़ना सीखो, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना सीखो। परिवार में थोड़ा ऊंचा नीचा चलता है, कभी अभाव भी होगा, कभी गरीबी भी आएगी, कभी अमीरी भी आएगी, कभी मुश्किल भी आएंगी। इन सब समय में साथ रह करके, एक साथ मिलकर के चलना सीखो। जो ऐसे मिलकर चलता है उनका गृहस्थ, उनका परिवार खूब आनंद से चलता है। अनुसुईया जी ने माताओं को उपदेश दिए, और सावित्री ने भी अपने पति के प्राण यमराज से प्राप्त कर लिए। माताओं में अधिक भावना होती है, अधिक वात्सल्य होता है, रिश्तों को जोड़ने की अधिक सामर्थ्य माताओं में होती है, इसीलिए माताओं को ये जिम्मेदारी ज्यादा दी जाती है। भाई बंधु कई बार क्रोध भी कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस समय आपको भी क्रोध करना है। और आप कभी क्रोध कर दो तो ऐसा नहीं है कि उस समय आपको भी क्रोध करना है। कभी किसी बात से दुखी परेशान होकर क्रोध आ भी जाए तो दूसरे को उस समय पानी बन जाना है, एक आग बनना है तो दूसरा क्या करे, पानी बन जाए। और आग पर पानी डालते क्या होता है, आग शांत हो जाती है। ये रिश्तों को चलाने की कुछ प्रक्रिया है, कुछ नियम है। अब दोनों ही आग बने और आग न बने तो दूसरा घी भी बन जाता है, वो आग और वो घी, फिर क्या होगा, और आग बढ़ती चली जाएगी, और विवाद और झगड़ा। और तो माताओं, रिश्तों को जोड़ने की प्रक्रिया आपसे शुरू होती है, क्योंकि आप जिम्मेदारी निभाना जानती हो। आप ही हो जो अपने घर को, परिवार को, माता पिता को छोड़कर दूसरे घर को अपना बना लेती हो। ये काम भाइयों से नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते इस कार्य को, पर आप हो जिसका बचपन जिन गलियों में बीता, उस गलियों को छोड़कर आप नए लोगों को, नए परिवार को, नए घर को अपना बना लेती हो, और उस घर को सजाने में पूरी उम्र बिता देती हो। आप कर सकते हो, आप ही के लिए इसलिए पतिव्रता धर्म का पालन बताया है।